नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज फिर हम आप लोगों के लिए लेकर आ गए हैं देश और दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज, हेडलाइंस, एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले दोस्तों मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों का एक और ताजा ओपिनियन पोल सामने आया है। फिलहाल मध्य प्रदेश में अभी चुनाव होने के लिए 1.5 साल का वक्त बाकी है, लेकिन उससे पहले 230 विधानसभा सीटों का जो सर्वे आया, जो आंकड़े इसके आए हैं, वो दोस्तों चौंकाने वाले हैं और बीजेपी के लिए चिंता वाले हैं। क्या कहता है ओपिनियन पोल का आंकड़ा, आगे हम आपको विस्तार से दिखाएंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में लोगों की भीड़ इकट्ठा करने के लिए 23 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। इसको लेकर के ताजा रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है, इसकी भी जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, वसीम रिजवी ने अपने वसीयतनामा को लेकर के एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। वसीम रिजवी ने जो है अपना धर्म बदल लिया है, इसको लेकर के भी बड़ी खबर है, इसकी भी जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, कासगंज में पुलिस कस्टडी के अंदर जिस तरह से एक अल्ताफ नाम का युवक जिसकी कैजुअलिटी हुई थी, यह बताया गया था कि उसने अपने आप को खत्म कर लिया है, उस मामले पर एक और नया मोड़ आ गया है दोस्तों। यहां पर अब पुलिस फंस गई है, किस तरह से इसकी भी जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, मोदी राज में अब चीन पाकिस्तान के बाद नेपाल ने भी आंखें दिखाना कर दी शुरू। यहां पर जानकारी यह है, 7100 एकड़ जमीन पर चीन अपना जो है, यानी चीन के बाद नेपाल अपना कब्जा जमाने की कोशिश में लगा हुआ है, इसकी भी जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, त्रिपुरा हिंसा के नाम पर अमरावती यानी महाराष्ट्र में बीजेपी नेता को हिंसा फैलाते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है, इसकी भी एक तस्वीर दिखाएंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, देश की मोदी सरकार के राज में अब बच्चों के खिलाफ साइबर अपराध के मामले 400 गुना बढ़ गए हैं, इसकी भी ताजा रिपोर्ट आगे हम आपको दिखाएंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, मोदी सरकार एक और नया कानून लाई है सीबीआई और ईडी को लेकर, और इस मामले पर अब विपक्ष ने मोदी सरकार को घेर लिया है, किस तरह से इसकी भी जानकारी देंगे। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए। बात करते हैं पहली और बड़ी खबर की। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, आने वाले कुछ ही महीनों के बाद 5 ऐसे विधानसभा राज्य हैं जहां के चुनाव होने हैं, और इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद मध्य प्रदेश समेत कई और राज्यों के विधानसभा चुनाव होंगे। तो मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों का एक ताजा ओपिनियन पोल सामने आया दोस्तों। 230 विधानसभा की सीटों में बीजेपी को इस बार 118 से 120 सीटें मिलने का अनुमान है मध्य प्रदेश के अंदर। कांग्रेस पार्टी 104 से 106 सीटों पर जो है जीत हासिल कर सकती है, जबकि बीएसपी को 1 से 2 और अदर के खाते में 3 से 4 सीटें जा सकती हैं। तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में अगर आज चुनाव होता है तो बीजेपी वापसी कर सकती है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही दोस्तों मध्य प्रदेश से, जहां पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में भीड़ इकट्ठा करने पर 23 करोड़ रुपए खर्च किए गए और इसको लेकर के बड़ा खुलासा हुआ है। आप इस खबर को देख सकते हैं, गरीब जनता के टैक्स का पैसा नेताओं की रैली में भीड़ इकट्ठा करने के लिए किस तरह से खर्च किया जा रहा है आप देख सकते हैं। 15 नवंबर यानी कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से एक जो है आदिवासी समुदाय की सभा को संबोधित किया, इस सभा के अंदर लोगों की भीड़ इकट्ठा करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने 23 करोड़ रुपए खर्च किए। लोगों को कार्यक्रम स्थल पर लाने और रुकने के प्रबंध में 13 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, इसका खुलासा जो है इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक हुआ है। यानी कि जनता की मोटी कमाई का पैसा, वो टैक्स का पैसा नेताओं की भीड़ में इकट्ठा करने के लिए किस तरह से खर्च किया जा रहा है, आपके सामने तस्वीर है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, देश की मोदी सरकार अब एक और नया कानून लाने जा रही है, जिसके बाद विपक्षी पार्टियां मोदी सरकार को निशाने पर ले चुकी हैं। आप इस खबर को देख सकते हैं दोस्तों, जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कि सीबीआई और ईडी के जो महानिदेशक हैं उनके जो कार्यकाल को बढ़ाने को लेकर के मोदी सरकार अध्यादेश लाने जा रही है। इस मामले पर कांग्रेस पार्टी ने मोदी सरकार को घेर लिया है। आपको हम खबर दिखा रहे, देख सकते हैं, अध्यादेश के जरिए सीबीआई और ईडी के प्रमुखों के कार्यकाल को 2 साल से बढ़ाकर के 5 साल तक करने को लेकर के विपक्ष केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर हमलावर है। इस मामले में तृणमूल कांग्रेस शीतकालीन सत्र में राज्यसभा में वैधानिक प्रस्ताव पेश करेगी, जबकि कांग्रेस ने कहा है कि सरकार इन संस्थानों को परफॉर्मेंस के आधार पर कंट्रोल करना चाहती है। कांग्रेस नेता मनु सिंह सिद्धवी ने सीधे
सीधे तौर पर मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि मूल शब्द है एक्सटेंशन। इसका मतलब है कि मोदी सरकार को इस अध्यादेश के जरिए पदासीन का कार्यकाल बढ़ाना है। पदासीन अधिकारी हर वर्ष जो है प्रोबेशन में रहेगा और ये प्रोबेशन जैसा कि सरकार इन संस्थाओं को परफॉर्मेंस के आधार पर कंट्रोल करना चाहती है, यानी कि सीबीआई और ईडी के कार्यकाल को बढ़ाने को लेकर के ये नया विवाद खड़ा हुआ है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर यहां पर दोस्तों आ रही वसीम रिजवी का एक और बड़ा ऐलान। आप इस खबर को देख सकते हैं, वसीम रिजवी ने अपने अंतिम संस्कार को लेकर के एक वसीयतनामा लिख करके नया विवाद खड़ा कर दिया। जानकारी के मुताबिक वसीम रिजवी ने अब जो है इस्लाम धर्म बदल करके हिंदू धर्म अपना लिया है। उन्होंने अपने वसीयतनामे में लिखा है, अगर मेरी हत्या होती है तो मेरा अंतिम संस्कार हिंदू रीति रिवाज से किया जाए। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही दोस्तों कासगंज में जिस तरह से अल्ताफ नामक युवक की पुलिस कस्टडी में मौत हुई थी, उस मामले पर बड़ा खुलासा हुआ है। आप इस खबर को देख सकते हैं दोस्तों। जानकारी के मुताबिक कासगंज में 21 वर्षीय मुस्लिम लड़के अल्ताफ की पुलिस हिरासत में जिस तरह से मौत हुई थी, उसका मामला दिन ब दिन लंबा होता जा रहा है। स्थानीय पुलिस पर जबरन क्लीन चिट देने का आरोप लगाने के बाद अब पीड़िता के पिता चांद मियां ने दावा किया है कि पुलिस अधिकारियों ने उन्हें कागज पर अंगूठा लगाने और इस मुद्दे पर चुप रहने के लिए मजबूर किया और 5 लाख नकद भी दिए हैं। तो यह बड़ा खुलासा हुआ है और उत्तर प्रदेश की पुलिस इस मामले पर फंस गई है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही दोस्तों, अब पाकिस्तान और चीन के बाद नेपाल भी हमारे देश के ऊपर किस तरह से आंख दिखा रहा है, इसको लेकर के बड़ा खुलासा हुआ है। आप इस खबर को देख सकते हैं। केंद्र में सत्तारूढ़ मोदी सरकार की चीन और पाकिस्तान को लाल आंखें दिखाने वाले बयान की बुरी तरह से धज्जियां उड़ रही हैं। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान घुसपैठ करने की ताक में बैठा रहता है, वहीं दूसरी तरफ चीन भारत की सीमा में घुसकर जमीन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। इसी बीच खबर सामने आई है कि नेपाल ने भी बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले की लगभग 7100 एकड़ जमीन पर कब्जा कर लिया है। यह सिलसिला काफी तेजी से बढ़ता जा रहा है, यानी कि हमारे देश की जमीन दूसरे देश हड़प रहे हैं जिनकी औकात नहीं है हमारे देश को आंख दिखाने की। खैर, यह है हमारे देश की मोदी सरकार का राज। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही दोस्तों, त्रिपुरा में हिंसा के नाम पर जिस तरह से तांडव किया गया, उसके बाद अमरावती में जिस तरह की हिंसा हुई है, उस मामले पर बीजेपी नेता को हिरासत में लिया गया है। दोस्तों आप इस खबर को देख सकते हैं। दोस्तों जानकारी के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी अपने शासनकाल में देश से अपराध कम होने के बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन भाजपा के ही कई नेताओं के नाम गंभीर आपराधिक मामलों में संलिप्त है। महाराष्ट्र के अमरावती में हुई हिंसा में भाजपा नेता अनिल पांडे को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके ऊपर आरोप लगा है कि उन्होंने अमरावती के अंदर हिंसा भड़काई है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, मोदी राज में हमारे देश के अंदर अब छोटे बच्चों के खिलाफ साइबर अपराध के जो आंकड़े आ रहे हैं वो चौंकाने वाले हैं। हम आपको आंकड़े दिखा रहे, देख सकते हैं 2020 में बच्चों के खिलाफ साइबर अपराध के मामलों में 400% से अधिक की वृद्धि हुई है। ये एनसीआरबी की एक रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। खैर, अच्छे दिन एंजॉय करते रहिए। आपकी अपनी क्या राय, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।